मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 15.1 की क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिए थे। नेक्स्ट डे की क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 297 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ द ईयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ प्रिपेयर फॉर द डेटा ऑब्टेन। एक कोई क्लास है, कोई क्लास 9 है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। अब उन 40 स्टूडेंट्स में से किसका कौन से मंथ में बर्थडे आता है, ये डेटा आपको एक ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। मैंने यहाँ पर ये रफली ग्राफ का डायग्राम बनाया है, आपको ग्राफ का ये डायग्राम आपकी बुक से बनाना है। तो देखिए, आपके डायग्राम ग्राफ पेपर पे बनाना है और फिर इसको नोटबुक पे पेस्ट करना है। तो देखिए, ग्राफ में जो वाई एक्सिस है उस पे आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट और जो एक्स एक्सिस है उस पे आपको दे रखा है मंथ ऑफ बर्थ। देखिए, जैसे जनवरी, जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है 3 स्टूडेंट का, और फेब में कितने का आता है 4 स्टूडेंट का, मार्च में 2 स्टूडेंट का, अप्रैल में अगेन 2 का, है ना। इस तरह से मई में 5 स्टूडेंट्स का, जून में 1 का, जुलाई में 2 का, अगस्त के अंदर 6 का। इस तरह से आपको बर्थडे मंथ और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगस्त मंथ में बोर्न होने वाले स्टूडेंट्स की। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त मंथ बोर्न। तो देखिए, अगस्त में कितने बच्चे बोर्न हुए 6, तो ऊपर तो क्या आएगा 6 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। अभी कैंसिल हो रहा था, आप कट कर सकते हैं। देखिए, 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/20। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री कॉइन आर टॉस्ड 200 टाइम्स। देखिए, जो टोटल कॉइन है उसको कितने टाइम टॉस किया गया है, कुछ कॉइन है, थ्री कॉइन है जिनको 200 टाइम क्या किया गया है, टॉस किया गया है। तो टोटल इवेंट तो हमारे पास कितने आ गए 200। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल इवेंट इज इक्वल टू 200। अब देखिए, थ्री कॉइंस को जब अपन ने 200 टाइम टॉस किया तो 23 टाइम्स तीनों कॉइन पे हेड आया, 72 टाइम्स दो कॉइन पे हेड तो एक पे टेल आया, 77 टाइम एक पे हेड तो दो पे टेल आया, और 28 टाइम नो हेड मतलब कि तीनों पे क्या आया, टेल आया। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड आने की। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब देखिए, 2 हेड कितने टाइम आए 72 टाइम, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे 72 अपॉन टोटल इवेंट कितने थे, कितने टाइम अपन ने टॉस किया था 200 टाइम, तो 72 अपॉन 200। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, 4 बन जा 4, 3 बचा 4, 8 जा 32, 4 5 जा 20, 0 की 0 18 अपॉन 50 आया, अगेन कैंसिल हो सकता है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 बन रहा 2 5 जा 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 9/25। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसके अंदर जो टोटल सेलेक्टेड फैमिली है वो कितनी है 2400, ठीक है, या फिर 2400। तो अपने पास टोटल इवेंट तो कितना है 2400, क्योंकि टोटल फैमिली अपने कितनी है 2400, ठीक है। तो टोटल इवेंट हो गया आपके 2400 या 2400। अब आपको इस तरह से टेबल में शो किया गया है इनकी मंथली इनकम, ठीक है। जैसे कि 7000 से कम कोई फैमिली, 0 का मतलब कोई फैमिली नहीं है, 1 का मतलब वन व्हीकल। देखिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ व्हीकल दे रखा है ना, मैंने स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आपको बुक से लिखना है। तो देखिए, 0 फैमिली का मतलब जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, 1 का मतलब जिनके पास एक व्हीकल है, 2 का मतलब जिनके पास 2 व्हीकल है,
16,000 ये वाला है, वन व्हीकल कितने में आ रहा है 279 पे मिली, तो ऊपर तो आएगा 579 अपॉन नीचे टोटल 3400। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको ऐसी फैमिली की अर्निंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी जिनकी अर्निंग लेस देन 7000 हो, 7000 से कम हो और नो व्हीकल, मतलब जिनके पास कोई व्हीकल नहीं हो। तो देखिए 7000 से नीचे जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है कितनी फैमिली है 10, ऊपर लिखा 10 अपॉन नीचे 3400, 0 से 0 कैंसिल तो प्रोबेबिलिटी क्या ही 1/240। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनकी अर्निंग 13000 टू 16000 हो और जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा। तो देखिए 13 टू 16000 के लिए और मोर देन 2 कितने हैं 25, तो क्या लिखेंगे 25 अपॉन टोटल 3400। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी का इक्वेशन का 5 क्या बोल रहा है आपको, फिफ्थ का 5, ओवनिंग नॉट मोर वन देन व्हीकल। आपको ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो, 1 तो हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो। अभी आपको ये भी नहीं बोला है कि उनकी इनकम कितनी हो, तो आपको क्या करना है ये 0 वाले और 1 वाले कॉलम में सबको ऐड करना है, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 और फिर अपॉन में लिखना है आपको 2400, क्योंकि 1 तो हो सकता है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा तो 0 भी नहीं है, तो आपको ये वाला और ये वाला पूरा कॉलम ऐड करके अपॉन में 2400 लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है, ये अपने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं, आपको यहाँ तक का वर्क आपकी फेयर में करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।